हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 143rd लेक्चर है। हमने टॉपिक 8 को शुरू किया हुआ है जिसमें हम इंडिया अफगानिस्तान हम कवर कर चुके हैं, इंडिया वेस्ट एशिया अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स के व्यूज हैं वेस्ट एशिया को लेकर, वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्कॉलर्स के जितने भी व्यूज हैं, किसने क्या कहा, इससे पहले जैसे हम और स्कॉलर्स को पढ़ाए, अभी आगे और स्कॉलर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और वैसे लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऑप्शनल का आंसर जो है ऑप्शनल लेवल का लगेगा। अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन, तो सी राजा मोहन क्या कहते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल। तो जैसे कौटिल्य की थ्योरी में 3 जैसे मंडल से अलग अलग उन्होंने मंडल्स में बना के जैसे बताया था, तो सी राजा मोहन ने भी हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बताया कि हमें जो है इसको समझना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। और 3 सर्कल्स क्या है, एक तो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड हो गया जो हमारा साउथ एशिया है, एक हो गया हमारा जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया को ऐसे बना लेते हैं वैसे, चलो ये हमारा इंडिया हो गया। इसका इमीडिएट नेबरहुड क्या हो गया, यहाँ पे साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज जो है ये इसके इमीडिएट नेबरहुड है, जहाँ यहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, ये जितने भी कंट्रीज है। उसके बाद इसके बाद एक्सटेंडेड नेबरहुड, यहाँ पे वेस्ट एशिया आ गया, यहाँ पे ईस्ट एशिया आ गया, ये इसका एक्सटेंडेड नेबरहुड हो गया। और यहाँ पूरा उसके बाद जो है हमारा थर्ड जो थर्ड सर्कल है वो है हमारा आउटसाइड वर्ल्ड का, आउटसाइड वर्ल्ड में फिर बाकी सब कुछ आ जाएगा, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ के। सो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जो है रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सेकंड सर्कल ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है साउथ ईस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया ये हमारा जो है सेकंड सर्कल में आता है। उसके बाद जो है इस तरह से सी राजा मोहन ने कहा है कि ये सेकंड सर्कल में आता है, तो इस तरह से हमारी हमें जो यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद एक और हमारे थिंकर्स हैं अल्फ्रेड टी महान, इन्होंने कहा है एडवाइज ब्रिटिश टू फोकस ऑन वेस्ट एशिया टू प्रोटेक्ट द हेजेमनी ऑफ इट्स इन यूरोप, सो इस ऑफ इट्स एम्पायर। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा है कि एडवाइस किया ब्रिटिश को कि फोकस करें वेस्ट एशिया पे टू प्रोटेक्ट द हेजेमनी ऑफ इट्स एम्पायर, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज वेस्ट पॉलिसी। तो उसके बाद जो है वेस्ट एशिया जो है इसके लिए जैसे फ्रेमवर्क क्या है इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का, वन ऑफ द अर्लीस्ट चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकर वाज टू मेक देयर पोजीशन ऑन क्रिएशन ऑफ इसराइल। तो इसराइल को जो है सबसे पहले जब हमारा जो अर्लीस्ट चैलेंज जो है यहाँ पे इस रीजन में हमने अपनी पॉलिसी बनानी थी, किस तरह से हम यहाँ पे डील करें, हमारा क्या स्टैंड हो यहाँ पे, ये सब में सबसे पहला चैलेंज ये आया कि जब इसराइल को क्रिएट किया गया तो हमें हमारा भी अपना स्टैंड होना चाहिए था कि हम इसराइल की क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सो इंडियन लीडर्स अपोज द क्रिएशन ऑफ इसराइल, तो इंडियन लीडर्स ने इसराइल की क्रिएशन को जो है अपोज किया। According to Gandhi, Palestine belonged to Palestinians in a similar way, France belonged to French and England belongs to English. तो ये इनका कहना है कि आपने जो है Palestinians को divide करके वहाँ पे Jews के लिए land बना दिया, तो ये गलत चीज़ है। इसीलिए Cold War के time पे हम हमेशा Palestine के cause के लिए लड़ते रहे, Israel के साथ हमने अपने relations अच्छी तरह से establish नहीं किए, ये सब चलते क्योंकि हमारी policy जो थी उस time पे हमारी जो है ideological policy थी, आइडियल टाइप की हमारी पॉलिसी थी, जिसमें हमने आइडलिस्ट हमारी पॉलिसी, हमारे जो नेहरू जी थे आइडलिस्ट थे, तो आइडलिज्म से इंस्पायर थी हमारी पॉलिसी। उसके बाद जो इंडियंस डिड नॉट सब्सक्राइब टू द थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इंडिया जो है इस थ्योरी को रिलीजन के बेसिस पे एक नेशन बना देना, इंडिया इसको कभी बिलीव नहीं करता था, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से अलग करके रिलीजन के बेसिस पे एक देश बनाया गया, तो इंडिया उसके भी खिलाफ था। तो इसराइल की ज्यूज के लिए स्पेशली रिलीजियस लाइंस पे बनाया गया, तो इंडिया को पसंद नहीं था, इंडिया कभी नहीं मानता था, इंडिया कहता था कि जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी नेचुरल होनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि आप रिलीजन के बेसिस पे एक नेशन बना रहे हो, क्योंकि आप रिलीजन के बेसिस पे एक नेशन बनाते हो तो ना इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक कंट्री बनाई है रिलीजन के बेसिस पे, तो इसमें जो रिलीजन है इसका तो ये वही लोग हैं वो जो इस रिलीजन को फॉलो करेंगे वही उस देश में सिक्योर रह पाएंगे,
दूसरों को ये कंट्री उतनी सुविधाएं नहीं देंगी, दूसरे रिलीजन के लोगों को ये कंट्री उतनी सुविधाएं नहीं देगी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मुस्लिम्स के लिए जितना है हिंदूज के लिए उतना नहीं है। हमने कितनी बार देखा है हिंदू रेफ्यूजीज जो है पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आते हैं। तो ऐसे ही इसराइल है, वहां पे ज्यूज को जितनी इंपॉर्टेंस मिलती है बाकी और किसी रिलीजन को नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से ही इंडिया जो है रिलीजन के बेसिस पे नेशन बनाए जाने के फेवर में नहीं था, तो उन्होंने अपोज किया इसराइल की फॉर्मेशन को। इट इज टू बी नोटेड दैट इंडियाज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल वाज लेस टू डू विद द प्रिंसिपल्स, मोर टू डू विद द नेसेसिटीज। तो नेसेसिटीज क्या, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया ने जो अपोज किया इसराइल की क्रिएशन को अपने प्रिंसिपल्स की वजह से कम किया, जबकि नेसेसिटी जरूरतों की वजह से ज्यादा अपोज किया। वो क्यों था अभी तक तो देखने में ऐसा ही दिखाया, तो उन्होंने ऐसा ही था कि अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किया, लेकिन इसका एक हिडन रीजन जो था इसकी नेसेसिटीज थी। इंडिया अंडरस्टूड दैट क्रिएशन ऑफ इसराइल विल नेसेसरली लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इंडिया को अच्छे से पता था इसराइल को अगर पैलेस्टीनियंस की लैंड को लेके इसराइल को क्रिएट किया जाता है तो डेफिनेटली पैलेस्टीनियंस और जो अरब स्टेट्स है उनको पसंद नहीं आएगी ये चीज, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट वहां पे होगा एंड थस इट विल इंपैक्ट इंडियाज एनर्जी एंड ट्रेड इंटरेस्ट। हम इजीली गेस कर सकते हैं कि इंडिया के कौन से इंटरेस्ट और इन्वॉल्व थे इंडिपेंडेंस के बाद से मिडल ईस्ट में, वो इंटरेस्ट उसके एनर्जी एंड ट्रेड इंटरेस्ट थे। तो इट इज बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस शेप इंडियाज मिडल ईस्ट पॉलिसी। तो हमारा फर्स्ट फेज में मिडल ईस्ट के लिए हमारी पॉलिसी जो है वो किस तरह से शेप हुई थी, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी मिडल ईस्ट की पॉलिसी फॉर्म हुई। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन देर आर कंपल्सिव डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस, यहाँ पे कंपल्सिव डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस थे इंडिया में। कांग्रेस पॉलिसी वाज शेप्ड बाय फैक्टर ऑफ मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि इसमें यह भी था कि इसराइल जो था वो ज्यूज के लिए बनाया गया था, पैलेस्टीनियन जो कि मुस्लिम थे उनकी लैंड को लेके, तो डेफिनेटली इंडिया के मुस्लिम जो थे उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगी। अब डेफिनेटली जो एक रिलीजन, जो लोग रिलीजन को ज्यादा मानते हैं और स्पेशली मुस्लिम्स में ज्यादा देखने को मिलता है, जब ऑटोमन एम्पायर को भी खत्म किया गया था तब भी यहाँ पे जैसे कि हमें बताया 1919 में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद जो है तो यहाँ पे जो था कि जो यहाँ पे जब पैलेस्टीन से मुस्लिम से लैंड लेके ज्यूज के लिए देश बनाया गया तो हमारे इंडियन मुस्लिम जो थे इस चीज के बहुत अगेंस्ट थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो। तो इंडिया ने हमारे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग जो है कंपल्सिव डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस ये थे। अब इंडिया को पता था कि इसराइल तो छोटा स्टेट है, अरब कंट्रीज कितने सारे कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारी ट्रेड होती है, इनसे हमने एनर्जी रिसोर्सेज इंपोर्ट करने होते हैं, तो हमारे वहाँ पे ये वाली कंपल्शन थी। और दूसरी कंपल्शन थी कांग्रेस पार्टी जैसे तब पावर में थी तो उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए था। अब अगर हम इसराइल की क्रिएशन को सपोर्ट करते तो यहाँ के मुस्लिम्स कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते, वो कहते कि आप ज्यूज को सपोर्ट कर रहे हो। और उसके बाद है मोर टाइटल टूवर्ड्स अरब एंड एट टाइम मोर अरब देन द अरब देमसेल्व्स। तो क्या है कि उस टाइम पे हम जो है जितना अरबियंस जो थे जितना उन्होंने अपोज किया उसे कहीं ज्यादा हमने अपोज किया। तो ये हमने क्यों किया, कंपल्सिव डोमेस्टिक डिटर्मिनेंस की वजह से। उसके बाद ऑन द अदर हैंड बीजेपी पॉलिसी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू वोट बैंक। तो अब जो बीजेपी की पॉलिसी है जो पहले जब बीजेपी पहले पावर में आई थी इनकी पॉलिसी क्या थी, हिंदू वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना। सो सिंस बिगिनिंग आरएसएस एंड अदर हिंदुत्व फोर्सेज हैड स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस टुवर्ड्स द तो यहाँ से शुरू से ही आरएसएस जो है बीजेपी के साथ जैसे हमें पता है इसके रिलेशंस, तो शुरू से ही आरएसएस जो है और हिंदुत्व जो फोर्सेस हैं वो चाहते थे शुरू से इंडिया की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे कि हम इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं ताकि हमारे यहाँ के हिंदू सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अगर हम अरब वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ के मुस्लिम तो सेटिस्फाई हो जाएंगे लेकिन हिंदू गुस्सा करेंगे कि आप जो है मुस्लिम्स की वजह से ऐसा कर रहे हो। तो इसीलिए जो आरएसएस है और बीजेपी है ज्यादा ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस इस्टेब्लिश हो और
जो अभी हमारे इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, एक तो ये है कि हमें जो है इसराइल से बहुत टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होती है, और इसका अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी की फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस मैटर से हमारी कम इंस्पायर्ड है। ये तब की बात है, ये 20th सेंचुरी की बात है पहले की, कि आरएसएस और ये जो फोर्सेज हैं, हिंदू बैंक, वोट बैंक जो भी, लेकिन अभी जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी पॉलिसी जो है प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा इंस्पायर्ड है। उनको पता है इसराइल का, तो इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे करते हुए इन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं किया है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इनके साथ हम अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। इसराइल्स नेशनहुड वॉज इन कन्वर्जेंस विद द हिंदुत्व आइडिया। इशरत अजीज, former diplomat, contradicted the views of C. Rajamohan and suggests that foreign policies of all countries are always shaped by secular geopolitical interest. So, जो इशरत अजीज हैं, ये सी राजामोहन को अपोज करते हुए, कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ये कहती है, कहते हैं इनका जो व्यूज है, इशरत अजीज का व्यू ये है कि जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सेकुलर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, ये रिलीजन वगैरह को ध्यान में रख के कंट्रीज पॉलिसी नहीं बनाते हैं। तो इशरत अजीज के जो व्यूज है अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम व्यू दिया है कि हर कंट्री ऐसा करती है और हमेशा ऐसा करती है, ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री जो है एक ही कंट्री एक टाइम पे अलग और दूसरे टाइम पे अलग पॉलिसी बना सकती है अपनी जरूरतों के हिसाब से, तो ऐसा नहीं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को। उसके बाद है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया इवन फॉर अरब स्टेट्स, इंडिया फेवर्ड अरब्स ओवर इसराइल बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये बताते हैं कि ऐसा जो इशरत अजीज बोल रहे हैं वो सही नहीं है, इंडिया ने जो है फेवर किया अरब्स को ओवर इसराइल बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो हमने अगर उनको सपोर्ट किया, उनको फेवर किया, तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से किया। द प्रॉक्सिमिटी जो इंपॉर्टेंस है, हमें पता है कि अरब वर्ल्ड की हमारे लिए एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां पे काफी है, तो हमें रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, एंड क्रिटिकल लोकेशन फॉर इंडियन सिक्योरिटी। तो ये सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी बनाई। सिमिलरली अरब नेशंस अंडरस्टूड इंडियाज जियोपॉलिटिकल कंपल्शन, दैट इज व्हाई इंडिया कुड मेंटेन इट्स रिलेशंस विद ईरान, सऊदी एज वेल एज इसराइल। तो सऊदी, इसराइल, ईरान जो है आपस में इनकी कुछ बनती नहीं है, बिल्कुल ही अपोजिट है एक दूसरे के। पहले तो ईरान एंड सऊदी जो है अरब वर्ल्ड को बिलोंग करते थे, ये मिलके इसके अगेंस्ट थे, लेकिन अब के टाइम में सऊदी और ईरान भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ये वाले कंट्रीज जो है ये भी इंडिया की जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस को समझते हैं, इसीलिए अगर अब हम इसराइल के साथ रिलेशन अच्छे बना रहे हैं तो इसराइल ये नहीं कहेगा कि आप सऊदी के साथ रिलेशन खराब करो, ईरान के साथ करो, सऊदी के साथ बना रहे हैं तो ऐसा नहीं, सऊदी हमें ये नहीं कह सकता कि आप ईरान के साथ रिलेशन मत रखो, ऐसा कुछ नहीं। सो उसके बाद है, व्हाट हैज बीन इंडियाज पॉलिसी, तो इंडिया की पॉलिसी क्या थी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर एम्बेसडर रंजीत गुप्ता, इंडियाज पॉलिसी हैज बीन non-interventionist, non-judgmental, non-descriptive, non-aligned. तो इंडिया की जो पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में, इंडिया ने पॉलिटिकल इश्यूज में खुद को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वहां पे जो लोकल इश्यूज चल रहे थे, जितने इतने इतने ग्रुप्स थे, इंडिया ने किसी ग्रुप को साइड नहीं किया, किसी ग्रुप की साइड पे इंडिया नहीं आया, किसी को कोई सपोर्ट नहीं दिया, जैसे यूएसए कर रहा था। यहाँ पे कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं की, कुछ नहीं किया, इंडिया की पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी। यहाँ पे सिर्फ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने सिर्फ उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन तक ही हम हमारी बातचीत तक रखते थे, बाकी हमारा ज्यादा कुछ नहीं था। इंडिया मेंटेन लो प्रोफाइल एंड स्टेड अवे फ्रॉम लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनसे हमने दूरी बनाए रखी। What should be India's policy? तो इंडिया की पॉलिसी होनी क्या चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी क्या, वो तो हमने पढ़ लिया, और होनी क्या चाहिए, what should be इंडिया की पॉलिसी, होनी क्या चाहिए अभी के टाइम में। There are two schools of thought, दो schools of thought है। एक कहता है maintain low profile, protect its own interest, जो scholar है professor गिरिजेश पेंट्स यू, इनके views क्या है, ये कहते हैं कि इंडिया को जो है वहां पे मेंटेन करना चाहिए लो प्रोफाइल, और सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने तक ध्यान देना चाहिए। वेस्ट एशिया इज नॉट अ प्लेस फॉर डिस्प्ले ऑफ इंडियाज पावर, तो ये कहते हैं कि वेस्ट एशिया ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंडिया अपनी पावर को डिस्प्ले करेगा, और वहां पे उन्हें इनके इश्यूज में इन्वॉल्व होना चाहिए, मिलिट्री इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर उन्हें दिखाना चाहिए कि हम स्ट्रांग है। तो ये कहते हैं कि वेस्ट एशिया ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे
इंडिया को अपनी पावर दिखानी चाहिए, इट इज अ प्लेस फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ इंडिया पावर. तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इंडिया को अपनी पावर को और बढ़ाना चाहिए, ऑगमेंट करना चाहिए. देर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन लिमिटेशन इन इंडिया प्लेइंग एनी बिगर रोल. तो इंडिया जो है अभी बहुत बड़ा रोल तो प्ले नहीं कर सकता, इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा कंपल्शन है, हमारे पास ना तो उतने रिसोर्सेज है और ना ही हमें ये सारी चीजों में जो है इन्वॉल्व होने की वैसे भी जरूरत है. फॉर्मर एम्बेसडर रंजीत गुप्ता फॉरेन पॉलिसी ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी शुड ऑलवेज बी टेम्पर्ड विद मैच्योर रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटीज. पैसिविटी इज फाइन इन अनप्रडिक्टेबल एंड वॉलेटाइल इन्वायरमेंट. तो ये कहते हैं पैसिविटी जो है फाइन है, ठीक है, कोई नहीं है, आप कैसी रोल प्ले कर रहे हो, आपको कोई ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो. अगर वहां का एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है, तो ठीक है, आप पैसिविटी वाली पॉलिसी आपकी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो वहां पे वेस्ट एशिया ऐसा प्लेस ही नहीं है जहाँ पे आप अपनी पावर दिखाओ. तो जहाँ पे तो वहां पे हमारे जो इंटरेस्ट है हमें सिर्फ उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी हमें उनके लोकल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. उसके बाद एक फॉरेन सेक्रेटरी हमारे जो है एस जयशंकर ये कहते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी इन अकॉर्डेंस टू इट्स चेंज्ड स्टेटस. तो इंडिया की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह से इसके चेंज्ड स्टेटस के साथ चेंज होनी चाहिए. इंडिया एस्पायर्स टू बी लीडिंग पावर एंड नॉट जस्ट अ बैलेंसिंग पावर. तो अब ये कहते हैं कि इंडिया की जो एस्पिरेशन है वो लीडिंग पावर बनने की है. इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंसर का रोल प्ले नहीं करना चाहता. इंडिया इज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इंडियाज कमिटमेंट टू लिंक वेस्ट शैल मैच टू एक्ट ईस्ट. तो इनका ये कहना है कि जितना हम एक्ट ईस्ट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं वैसा ही हमें लिंक वेस्ट में करना चाहिए. अब एक्ट ईस्ट में हम थोड़ा सा ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट अगर हमें कोई स्टेटमेंट देनी पड़े तो हम देते भी हैं, जैसे क्योंकि हमारा वहाँ पे कमिटमेंट जो है ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में हमारी कमिटमेंट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से रिलेटेड है. अगर चाइना जो है इस चीज को वायलेट कभी करता है तो इंडिया उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट भी दे सकता है, लेकिन वेस्ट एशिया में हम ऐसा नहीं करते हैं. तो ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए. तो सारे स्कॉलर्स के अपने अपने व्यूज है, हम कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते. जिसका व्यू थोड़ा बैलेंस होगा हम उसी को लेंगे. सी राजा मोहन्स व्यूज आफ्टर मैनी फॉल्स स्टार्ट्स इंडिया इज अल्टीमेटली इमर्जिंग एज स्विंग स्टेट इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर. इंडिया इज गोइंग टू शेप आउटकम्स ऑन मैनी क्रिटिकल इश्यूज. तो ये इनका कहना है. उसके बाद फॉर्मर एम्बेसडर चिन्मय गारेखन भी कहते हैं ही ऑल्सो सजेस्ट दैट इंडिया शुड लीव इट्स पैसिव अप्रोच. तो ये कहते हैं, ये भी यही मानना है इनका कि इंडिया को अपनी पैसिव अप्रोच को छोड़ देना चाहिए. एवरीबडी अंडरस्टैंड इंडिया स्ट्रैटेजिक लिमिटेशंस बट इंडिया शुड गो फॉर रेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोफाइल. तो कुछ कहते हैं कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं इन्वॉल्व होना चाहिए. आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा व्यू कहाँ पे फिट होता है. आपने आंसर की क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को फिट करना होता है. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यू कहीं पे भी लिख दोगे, जैसे ही आपकी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने व्यूज जो है अपने नहीं स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने व्यूज देने होते हैं. उसके बाद है असेसमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी सो फार. तो हम असेस करते हैं इंडिया की पॉलिसी को अब तक कैसी रही. निकोलस ब्लैरल इनका एक आर्टिकल था रीकैलिब्रेटिंग इंडियाज मिडल ईस्ट पॉलिसी. इंडिया हैज बीन एबल टू बैलेंस द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट सो फार. इंडिया जो है बैलेंस कर पाया है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो इसके वहां पे थे उसको बैलेंस कर पाया, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर हम सऊदी के साथ रिलेशन, पहले ऐसा था कि अगर हम सऊदी के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा और इसराइल नाराज हो जाएगा. और अरब वर्ल्ड के चलते हमने इसराइल के साथ कोल्ड वॉर के टाइम में बिल्कुल भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया, क्योंकि हम जो है अरब वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, हमें डर था कि यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ना खराब हो जाए. तो यहाँ पे पूरे अरब वर्ल्ड में तो इंट्रा रीजन राइवलरीज है, तो हमें वहां पे ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा कि हमें अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा. जिसकी कंट्री की हमें जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ेगा, और जो उनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे बिना, वहां के लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे बिना हमें अपने इंटरेस्ट को के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. सो ये कहते हैं कि इंडिया हैज बीन एबल टू बैलेंस द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट सो फार. तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करने में इंडिया अब तक सक्सेसफुल हुआ है. इंडिया इज लिंक्ड विद द रीजन थ्रू कल्चर कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी. हम उनके साथ किस तरह से लिंक्ड है, एक तो कल्चर की वजह से लिंक्ड है, दूसरा हम कॉमर्स की वजह से लिंक्ड है, थर्ड हम कनेक्टिविटी की वजह से लिंक्ड है उनके साथ. अब टिल नाउ द पॉलिसी इज डिफेंसिव पैसिव एंड रिएक्टिव. अब की जो हमारी पॉलिसी अब तक की रही है ये हमारे सिर्फ इस रीजन में ही नहीं
हर रीजन में ऐसी हमारी पॉलिसी रही है, डिफेंसिव, पैसिव एंड रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रही है क्योंकि हम इनके लोकल कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए. अंडर मोदी गवर्नमेंट इंडिया इज एबल टू ओवरकम इस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग द रीजन थ्रू द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान. तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को देख के उस प्रिज्म के ध्यान से हम यहाँ पे रिलेशंस मेंटेन करते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है अब जो है उस चीज से बाहर आ रही है. क्योंकि ये था कि पाकिस्तान जो है इनकी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सऊदी अरेबिया ये सारे कंट्रीज हैं, इनके साथ इनकी काफी अच्छी बनती है और सऊदी अरेबिया भी जो है पाकिस्तान को अपीज करने में कभी कभी करता है, अपीज करने की कोशिश करता है. तो इस तरह से हम उस बात को ध्यान में रखते थे, लेकिन अभी जो हमने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई है और इंडिपेंडेंटली हम उनके साथ डील भी कर रहे हैं. इंडिया शुड प्ले ग्रेटर रोल बट you should not be you nahi hai ga yahan pe it should not be sucked into regional rivalries. wahi hai jo advice yahan pe likhni hai wo ek hi hai ki inke internal rivalries mein, regional rivalries mein hame involved nahi hona hai. yahan pe jo involved hua hai uski barbaadi hi hui hai uski, aur hamare paas itne resources nahi hai, na hi itna time hai ki hum regional issues mein involved hote rahe, aur inka koi solution bhi nahi hai. ye chal raha tha aur chalta rahega. सो हमें यहाँ पे सिर्फ कोशिश करनी चाहिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, इसके अलावा कुछ नहीं. उसके बाद है फॉर्मर सेक्रेटरी एस जयशंकर, ये क्या कहते हैं. फॉर्मर सेक्रेटरी एस जयशंकर कहते हैं कि अप टिल नाउ इंडियाज मिडल ईस्ट पॉलिसी वॉज रिलेटिवली ऑटोनॉमस ऑफ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, इट वॉज मोर डिक्टेटेड बाई मार्केट एंड लेस बाय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. तो अब तक जो हमारी वेस्ट एशिया के लिए पॉलिसी थी, मिडल ईस्ट के लिए, वो कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, सिर्फ मार्केट्स के बारे में, ऐसा सब कुछ ट्रेड एंड एनर्जी के बारे में सोच के हमारी पॉलिसी थी, वहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं थे. लेकिन अभी जो है हमने क्या किया है, इंडियाज पॉलिसी इज बाउंड टू बिकम स्ट्रेटेजिक नाउ. तो अब जो है इंडिया के ऊपर कंपल्शन है या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंडिया जो है इस इंडिया की पॉलिसी जो इज बाउंड टू बिकम स्ट्रेटेजिक. It is to be noted that India's policy towards Middle East was seen as India was unable to take strategic look and just looked at region as gas station. तो ऐसा कहा जाता था कि इंडिया अनेबल है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस रीजन को ये गैस स्टेशन की तरह देखता है. रीसेंट डेवलपमेंट्स इंगेजमेंट्स विद मिडल ईस्ट, तो अभी हम मिडल ईस्ट के साथ किस तरह से इंगेजमेंट्स हमारी हो रही हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले ईरान के साथ हम किस तरह से डील करते हैं वो सब जो है पढ़ेंगे. स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया कंसीडरिंग इट्स लोकेशन नॉट ओनली इन पर्शियन गल्फ बट ऑल्सो एडजेसेंट टू अफगानिस्तान पाकिस्तान. तो इसकी लोकेशन ईरान की जो है हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पे ईरान है. तो ईरान की लोकेशन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है. दो इंडिया एंड ईरान एंजॉय ह्यूज हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल साइनर्जी येट रिलेशंस हैव नेवर बीन एज क्लोज एज दे शुड हैव बीन. तो यहाँ पे इंडिया और ईरान को इनका कल्चर जो है हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, लेकिन फिर भी जितने हमारे इनके साथ अच्छे रिलेशंस हो सकते थे उतने हैं नहीं. इसका एक रीजन तो ये है कि हमने कोशिश ही नहीं की क्योंकि यहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटीज थी, इतने इश्यूज थे, हमने यहाँ आने की कोशिश ही नहीं की. इनिशियली बिकॉज ईरान वॉज यूएसएस अलाय बट लेटर ऑन स्टार्टअप प्रोजेक्टिंग सेल्फ एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ईरान हैड ऑलवेज सपोर्टेड द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर. तो एक कुछ इश्यूज ये वाले भी थे कि ईरान जो था पहले यूएसए की अलाइ हुआ करता था. हाँ, फिर जैसे यहाँ पे 1979 में रेवोल्यूशन आया क्लैरिक्स का, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, तो यहाँ पे इसने जो है खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बना लिया. और जो है कश्मीर पे ये हमेशा ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है. तो ये तो कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अगर इंडिया चाहता तो इनके साथ अच्छे रिलेशन रख सकता था. लेकिन पहले क्या होता था, इंडिया की जैसे पॉलिसी सिर्फ रिएक्टिव थी, कोई सीट कैसे कर रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी पॉलिसी बनाते थे. लेकिन अब जो है हम पहले ये देखते हैं कि इस स्टेट से हमें कितनी, इस कंट्री से हमें कितनी जरूरत है, हमारे कितने इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, फिर उसके बेसिस पे हम पॉलिसी बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल होती है ना कि जरूरत के टाइम पे गधे को बाप बनाना पड़ता है. एग्जाम्पल्स एक्चुअली मेरे माइंड में होती है लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहती तो मैं भूल जाती थोड़ा बहुत. गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी अब हमारी हो गई है. खैर
ऐसी तो एग्जैक्टली तो वैसे नहीं गधे को पाप बनाना नहीं कहेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम कैसी पॉलिसी बनाते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि इस कंट्री से हमें क्या क्या हमारे इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व है, क्या क्या हमें इस कंट्री से चाहिए, उसके बाद उस कंट्री वो कंट्री चाहे हमें सपोर्ट करे ना करे, पसंद करे ना करे, हम उस वे में अपनी पॉलिसी को आगे लेके जाएंगे। पहले क्या होता था ना कि हमारी पॉलिसी ऐसी थी, जैसे कोई इंसान होता है उसको किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, वो नाराज हो जाएगा कि बस अब तो इसने मुझे डांट दिया या इसने मुझे कुछ बुरा भला कह दिया, मैंने इसकी तरफ जाना नहीं है, चाहे ये कितना भी अमीर आदमी हो, कितनी भी मुझे मुझे इससे जरूरत हो, लेकिन मुझे इसके पास नहीं जाना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। और दूसरी तरफ जो है समझदार इंसान कैसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें जो है किसी से अपना काम कैसे निकलवाना है, तो वो इंसान चाहे हमें जरा भी पसंद ना करे, डजंट मैटर, अगर हमें उससे काम है तो हम उसके पास जाएंगे। तो ऐसे ही कंट्रीज में भी होता है, पहले क्या होता था कोई इंसान कोई कंट्री सॉरी हमारे इंडियन कंट्री को कोई दूसरे कंट्री सपोर्ट नहीं करती थी ना, तो हम क्या करते थे उनसे किनारा कर लेते थे कि ठीक है भाई अब कश्मीर जो है हमारे लिए काफी सेंसिटिव इशू है, तो उस पर जो कंट्रीज हमें सपोर्ट नहीं करते थे वो तो हमारे आंख में जैसे चुभते थे, तो हम उनके साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जो क्या हुआ है कि अब जो है हमें पता है कि ईरान का पहले सपोर्ट जो था कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं ये सोच के कि हमें इन कंट्रीज की जरूरत है। सो जितनी जरूरत है अपना काम निकलवाओ। इंटरनेशनल रिलेशन में यही होता है, हमारी पॉलिसी जो है सबसे पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कंट्रीज को जो भी करना पड़े वो करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि हमें इनमोरल वेज को नहीं लेना चाहिए, जैसे कि वॉर्स वगैरह में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब तो खैर वैसे भी डिप्लोमेटिकली जो है इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वॉर वगैरह में इन्वॉल्व होने की वैसे भी बात नहीं आती है। उसके बाद है एज ईरान्स एस्पिरेशंस फॉर डोमिनेटिंग द मुस्लिम वर्ल्ड विल इंक्रीज, इंडिया ईरान रिलेशंस मे फेस न्यू चैलेंजेस। अब ये चैलेंज हो सकता है कि अगर ईरान की एस्पिरेशंस ऐसे डोमिनेट करने लग जाती है, उसकी ज्यादा एस्पिरेशंस बढ़ जाती है कि उसने मुस्लिम वर्ल्ड को वर्ल्ड का लीडर बनना है, तो इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर वो भी इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया उस चीज को किस तरह से हैंडल करता है। दो ईरान हैड टेकन प्रो पाकिस्तान व्यू, येट देयर there has been huge dependency of India on Iranian oil and gas. तो इंडिया की ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस को लेके थी, इसीलिए अब तक इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन किया, लेकिन 21st सेंचुरी में हमने ईरान की इम्पोर्टेंस को समझा और उनके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करना अच्छे से शुरू किया। ईरान हैड नेवर स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ ऑयल टू इंडिया नॉट इवन ड्यूरिंग वॉर्स। तो कुछ भी हो जाए ईरान ने हमें कभी ऑयल देना बंद नहीं किया। सोचिए हम जो है ईरान के साथ ईरान को उतना सपोर्ट भी नहीं करते थे, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन थे, लेकिन कुछ भी हो जाए ईरान ने हमें ऑयल देना बंद नहीं किया। अब सोचिए कि ईरान कितनी अच्छी कंट्री है, इंडिया की कितनी केयर करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ईरान को पैसे चाहिए, हर एक कंट्री को पैसे चाहिए, तो वो अपना प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाते हैं। अब इंडिया चाइना में चाहे जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों ना हो जाए, लेकिन इनके बीच की ट्रेड नहीं रुकती है, तो क्यों नहीं रुकती है, तो जो भी जितना भी कुछ होता जाए हर एक कंट्री को पैसा चाहिए। ईरान चाइना को जो है अपने प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाना, और हमें चाइना के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हम वो चीज का ख्याल रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान जो है बहुत इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना ईरान को अपने प्रोडक्ट को अब उनके तो ईरान जो है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका तो गुजारा इसी चीज से होता है कि वो अपने ऑयल को बेचते हैं बाकी कंट्रीज में, एक्सपोर्ट करते हैं, तब उन्हें फॉरेन रिजर्व्स मिलते हैं। तो इस तरह से ईरान जो है हमें ऑयल देता रहा ताकि वो हमसे फिर कमाता रहा। तो इसी तरह से है हर कंट्री जो है अपने अभी क्या होता है ना कि जब चाइना के साथ हमारा कोई छोटू सा तो नहीं, चाइना के साथ कोई हमारा इश्यू हो जाता है, तब क्या करते हैं हमारे इंडिया में ऐसे सेंटीमेंट्स जाग जाते हैं इंडियन लोगों में कि हमने चाइनीज चीजों को नहीं खरीदना है। एक्चुअली ये सिलेबस से थोड़ा सा हटके मैं अपना व्यू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगी, इस पे चाहे किसी का भी कोई भी स्टैंड हो, बहुत सारे लोगों का हमारे इंडियंस का ऐसा स्टैंड होता है कि हाँ हम भी चाइना से सामान हम चाइनीज बनी हुए प्रोडक्ट्स को चाइना की बनी हुई प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, तो मेड इन चाइना वाली चीजों को हम छोड़ देंगे, हम नहीं खरीदेंगे, तो इससे हमारी देशभक्ति दिखती है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा व्यू नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल वे में सोचते हो तो इससे हम अपनी कंट्री के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो
कुछ कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, चाइना से माल को इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करके वो क्या करते हैं, इंडिया में बेचते हैं। तो इससे हमारे बिजनेसमैन भी कमा रहे हैं। अब जैसे कि 2-3 साल पहले की बात है, तो इसमें 1-2 साल पहले की बात है, दिवाली पे ऐसा चाइना के साथ हमारा इशू हुआ था, तब यहाँ पे ये था कि जितना भी एक्चुअली चाइना जो जितनी भी दिवाली के टाइम पे जैसे लाइटिंग वगैरह होती है तो टॉयज वगैरह होते हैं वो चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इससे लोगों ने क्या करना शुरू किया कि हम जो है चाइना की बनी हुई चीजों को खरीदेंगे नहीं। इससे हमारे खुद के जो इंडिया के छोटे बिजनेसमैन है उनका नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहले ही चाइना से काफी कुछ ऑलरेडी इम्पोर्ट करके रख रखा था। तो उन्होंने इम्पोर्ट करके रख लिया, चाइना को पैसे भी दे दिए, चाइना से जो कंपनी से उन्होंने माल खरीदा उनको पैसे भी दे दिया। अब यहाँ पे हमारे खुद के बिजनेसमैन उनके पैसे लगे हुए हैं और जो है हम उनसे माल खरीद नहीं रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका हुआ, हमारे खुद के लोगों का ही तो नुकसान हुआ ना। क्योंकि वो वापस जो है चाइना को माल बेच नहीं सकते, क्योंकि वो कंपनी जो बेच चुकी है वो क्यों वापस लेंगे। तो यहाँ पे इनका माल नहीं बेचा बिका और इनके पैसे इन्वॉल्व थे, हमने इन्हीं का नुकसान कर दिया। सो आप कुछ भी करते हो थोड़ा सोच समझ के किया करो, हर एक चीज को सोच समझ के ना उसके हर टाइप के कंसीक्वेंसेस को देख के किया करो। ऐसा नहीं है कि एक ने कह दिया, एक भीड़ होती है ना, भीड़ में क्या होता है कि एक लीडर होता है, जो लीडर कहता है सब लोग उसके पीछे जाते हैं। तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। आप सब जो है सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपना खुद का व्यू पॉइंट तैयार करो और वो आसपास कंसीक्वेंसेस का हर चीज को हर जो है जितनी भी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपना जो है एक स्टैंड लो, और अपने ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो आपने कर लिया। तो इसमें ये भी होता है कि चाइना से जो ऐसा सेंटिमेंट्स होते हैं कि हमने चाइना का सामान नहीं खरीदना, और ये सिर्फ जो जितना सा चाइना से ये चाइना से आने वाले सामान का छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है जो हम नहीं खरीद रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो टॉयज लाइटनिंग ये सब नहीं खरीद रहे हैं, ये इतना छोटा सा हिस्सा है कि चाइना इसको ना भी बेचे ना तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। जो चाइना से हम बड़ा बड़ा करोड़ों के डील्स करते हैं ना, वो हम नहीं रोक सकते, वो गवर्नमेंट ने करनी है और वो जरूरत है हमारी, क्योंकि वो चीजें हमारे यहाँ नहीं बनती है। तो वो गवर्नमेंट को कुछ भी हो जाए, जब गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाइना से माल खरीदना बंद करती, तो हम जैसे छोटे छोटे लोग क्यों ऐसा करते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग क्यों छोटे बिजनेसमैन का के पेट में जैसे लात मारने वाली बात होती है ना, वो वैसा काम क्यों करते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हमारे इंडिया में जो हम चाइना से करोड़ों के डील्स करते हैं, वहाँ पे हम कितने सॉफ्टवेयर वहाँ से मंगवाते हैं, तो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को जैसे अभी कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन अभी सडनली कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे हमें वो कंपनीज फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए बड़े बड़े, कि वो चीजें जो हम चाइना से कंपल्सरली जो वहां से इम्पोर्ट करते हैं वो यहाँ पे बने, ताकि हमें वहां से मंगवाना ना पड़े। सो जो कंपल्सरी इम्पोर्ट्स है वो हम उनसे करते हैं और करते आगे आने वाले टाइम में भी करेंगे। सो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आप परचेज ना भी करो तो इंडिया को इससे चाइना की कंपनीज को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, चाइना के गवर्नमेंट को, कंपनी छोड़ दो चाइना की गवर्नमेंट को छोटा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कुछ भी किया करो, थोड़ा सोच समझ के किया करो। सो ये सिर्फ चाइना के साथ ही एप्लीकेबल नहीं है, इसे ये भी पता चलता है कि किस तरह से हमें अपनी हमें जो है या फिर कंट्रीज को या फिर जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो स्टैंड जो है हमारा प्रैक्टिकल स्टैंड होना चाहिए हमेशा। हम इमोशनल होके हमें कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इमोशनल होके जो है हम स्टैंड लेते हैं वो ज्यादातर सही स्टैंड नहीं होता। सो हमें प्रैक्टिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए स्टैंड लेना चाहिए। तो हम ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस पढ़ रहे थे। इन वॉर अगेंस्ट तालिबान इंडिया एंड ईरान वर ऑन बोट, तो जो तालिबान के अगेंस्ट जो है अफगानिस्तान में लड़ाई जो चल रही थी उसमें क्या था कि जो वॉर तालिबान के अगेंस्ट थी वहां पे इंडिया भी था, ईरान भी प्लेयर था। इन 2001 इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ईरान रिजल्टिंग इनटू तेहरान डिक्लेरेशन। इन 2003 ईरानियन प्रेसिडेंट वाज मेड रिपब्लिक डे गेस्ट, हमारे यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट को 2003 में रिपब्लिक डे गेस्ट बनाया गया। यूएसए फीचर्ड तेहरान दिल्ली एक्सिस, स्टार्टेड एंगेजिंग इंडिया बाय गिविंग इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियाज ईरान पॉलिसी गॉट टू मच सेव्ड बाय वॉशिंगटन। ईरानियन डिप्लोमेसी यूज टू से दैट इंडियाज किबला इज वॉशिंगटन। यूएसए अंडर यूएसएस प्रेशर इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान थ्राइस एट द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है ये बात, आई थिंक इन दो लेक्चर्स में पहले
जिसमें ये था कि इंडिया क्या करता, इंडिया ने क्या किया, तीन बार जो है 2005 में, 2006 में, 2009 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट वोट किया, यूएसए के सपोर्ट में वोट किया, और ये जानते हुए, और वहां पे किसी भी एशियन कंट्री ने ईरान के अगेंस्ट वोट नहीं किया था। इंडिया चाहता तो अगर वो इसके इसके फेवर में वोट नहीं करना चाहता था, मतलब कि अगर जैसे ईरान जो है, ईरान के हमने अगेंस्ट वोट दिया तो इंडिया चाहता तो एब्सटेन भी कर सकता था, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही ना करता, लेकिन इंडिया ने ऐसा करके यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करते करते ईरान के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा खराब कर लिया था। ईरान एक्सप्रेस ए ह्यूज रिजर्वेशंस अगेंस्ट इंडियाज लॉन्च ऑफ इजरायली सैटेलाइट एज ईरान कंसीडर्ड इट एज अ स्पाई सैटेलाइट। अब क्या कि हमने इसराइल की सैटेलाइट को लॉन्च किया हमारे यहाँ से, तो ईरान को, ईरान और इसराइल के आपस में बंदी नहीं है, तो ईरान को लगा, ईरान को पता, ईरान ने कहा कि ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो हमारे ऊपर स्पाई करेंगे, ईरान जो है इसराइल इस सैटेलाइट के यूज से, तो इंडिया ने फिर भी उसको लॉन्च किया। तब भी ईरान हमसे काफी नाराज हो गया था। इंडिया इवन केप्ट चाबहार पोर्ट सस्पेंडेड, इंडिया ने इवन जो चाबहार पोर्ट है, अगर इंडिया ने ईरान के साथ अच्छे रिलेशन रखे होते तो कब का ये पोर्ट बन के तैयार हो गया होता, कब का हो जाता, लेकिन इंडिया ने कुछ टाइम के लिए ये पोर्ट जो आई थिंक कुछ 17-18 ईयर्स पहले शुरू हुआ था इसका काम, लेकिन जो है फिर बाद में इंडिया ने इसका काम सस्पेंड कर दिया, वो भी यूएसए को खुश करने के लिए। इंडिया रिलाइड कम्प्लीटली ऑन यूएसए फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान। इन 2010 इंडिया रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान व्हेन यूएसए अनाउंस द एग्जिट प्लान। तो इंडिया को तो ये लगता था कि यूएसए, जैसे यूएसए ने कहा भी था कि जब तक यहाँ पे पूरी स्टेबिलिटी आनी चाहती हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए ने फिर 2010 में यहाँ से एग्जिट करने का प्लान जब किया तो इंडिया को रियलाइज हुआ कि अब क्या हो गया, जैसे होता ना कि क्या हो गया, इंडिया भी सोच रहा था कि अब क्या हो गया हमारे साथ, ये अचानक से क्या हो गया, तो जाके इंडिया को ईरान की इम्पोर्टेंस समझ में आई, तब जाके इंडिया ने ईरान के साथ 2010 के बाद से थोड़ा इंगेज करने की कोशिश की ईरान को। As of now, Iran has developed a much closer relationship with Pakistan and China. ये मैंने बताया था कि हुआ था क्योंकि इंडिया तो जैसे ईरान से एकदम दूर हो गया था, लेकिन सेंशन लगे होने के बावजूद भी चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया, तो इस तरह से चाइना के साथ अभी ईरान के काफी अच्छे रिलेशन है, और पाकिस्तान चाइना की अलाई है तो इनके साथ भी अच्छे रिलेशन हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड ईरान, ही साइटेड द पोएट्री ऑफ गालिब, वंस वी मेक अवर माइंड द डिस्टेंस बिटवीन काशी एंड कशान इज ओनली हाफ आवर स्टेप। He has started consolidating the relations with Iran. India had announced the investment of $500 million in Chabahar port. तो अब हमने मोदी जी के आने के बाद से फिर से वहाँ पे ईरान जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से फिर से हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, वहाँ पे इसकी उसमें इन्वेस्टमेंट से दोबारा से करना शुरू कर दिया, वहाँ पे अभी हमारा अच्छा काम चलता है, चाबहार पोर्ट अच्छे से बन रहा है, तो इसकी काफी हमारे लिए रेलेवेंस है। उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट आल्सो विजिटेड इंडिया, तो ईरान पहले मोदी जी वहां पे गए, फिर ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए। ही हैज प्रेज्ड इंडिया फॉर प्रमोटिंग मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट इन कंट्री, तो इंडिया को प्रेज किया कि जैसे इंडिया में भी तो इतनी एथनिक कम्युनिटीज हैं, लेकिन कभी इतना बड़ा क्या हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कोई क्लैश हुआ, छोटे मोटे जो मतलब किसी स्टेट में जैसे दंगे हुए, खैर वो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा है, जैसे गोधरा हुआ था, एक गोधरा में हुआ था, मुजफ्फरपुर रायट्स हुए थे, ऐसे करके रायट्स कई जगह पे होते रहे हैं, झारखंड में भी एक बार हुए थे, तो ऐसे करके थोड़े बहुत क्या ये इंसिडेंट छोटे तो नहीं होते, लेकिन इतने बड़े भी नहीं है कि हमारे जो नेशनल इंटेग्रिटी है उसके अगेंस्ट है। सो हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्लैशेस देखने को नहीं मिले, हमने इंडिया में मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट को प्रमोट किया है जिसकी ईरानी प्रेसिडेंट ने काफी तारीफ की। ही कॉल्ड इंडिया एज अ लिविंग म्यूजियम ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू ड्यूरिंग द विजिट इन फेब 2018 एम्फसाइज्ड ऑन कनेक्टिविटी। सो इसका टाइटल क्या था, ग्रेटर टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी टू ग्रेटर कनेक्टिविटी। तो हमने काफी कनेक्टिविटी के ऊपर हम काफी जोर लगा रहे हैं। एट प्रेजेंट द फोकस ऑफ रिलेशनशिप इज लेस ऑन एनर्जी एंड मोर ऑन कनेक्टिविटी। इन रीसेंट पास्ट इंडिया ईरान अफगानिस्तान हैड रेटिफाइड द ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट। इंडिया हैज गॉट लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर शहीद बहस्ती पोर्ट। तो यहाँ भी क्या है कि जो IPI जो गैस पाइपलाइन थी ईरान
वो अलग थी, आईपीआई एक गैस पाइपलाइन थी, वो हमने सस्पेंड कर दी थी यूएसए की को पुश करने के लिए। उसके बाद अब रीसेंट पास में इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान भी जो है कि ट्रायलेटरल इन्होंने अपना एक ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट जो साइन किया है, उसके बाद जो यूएसए ईरान का जो पोर्ट है एक शहीद बहश्ती पोर्ट है, यहाँ पे हमें लीज पे कॉन्ट्रैक्ट इसका मिल गया है। उसके बाद जो है फेज वन ऑफ छबार जो था, इंडिया हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ छबार जाहिदन रेलवे लाइन, इंडिया हैड बीन मेड पार्टी टू अश्काबाद एग्रीमेंट, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान, ओमन, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ईरान हैज वेलकम इंडिया रेटिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटर्स कन्वेंशन फॉर लास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये सबसे थोड़ा ये है कि हमारे रिलेशन अभी ईरान के साथ काफी अच्छे हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ, जैसे कि हमने अब यहाँ पे सोचा है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट, क्योंकि हमें अरब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है आपस में उनकी राइवलरी है, लेकिन हमें सबसे हमें जो है सबसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक कंट्री के साथ वहाँ पे रिलेशन अच्छे करें तो दूसरा हमसे नाराज ना हो जाए। और अभी रिलेशन अभी जो है इंडिया की इकोनॉमी का इतना वेट तो है कि अगर कोई भी कंट्री चाहे तो हमारे साथ हमारे हमसे दूर नहीं रह सकती, सबको हमसे भी कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, तो सबको जो है हमारी मार्केट चाहिए। तो इस तरह से इंडिया की भी काफी इम्पोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमीज में बढ़ गई है, तो इंडिया जो है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।